अब तो आपको चैन आ गया कि आपकी और आपकी बेटी की पसंद एकदम एक जैसी है। आखिर मारवाड़ी सेठ की बेटी है, सच्चे सोने की परख तो होनी ही चाहिए उसे। जय माँ जगदम्बा। आइए शंकरीता जी, विराजिए। बिल्कुल सही समय पे आई हैं आप। शंकरी तो हमेशा सही टाइम पे ही आती है। वो बड़ी बहू ने खबर भिजवाई कि आप सबों ने छोरा पसंद कर लिया, तो दौड़ी चली आई। हाँ, और हमारी अक्षरा को भी लड़का पसंद है। अरे छोरी के तो भाग जाग गए। वही लाल कोठी वाले केजरीवाल सेठ का छोरा कहा ना। अब मैं दिखा देती हूँ। ये देवेंद्र नाम है। अरे हाँ, यही तो है वो। सारी अक्षरा तो राज करेगी राज। इतना बड़ा कारोबार है, भरा पूरा घर, और छोरे की तो क्या कहूँ, लाखों में एक है। सुना है विलायत से बड़ी ऊंची पढ़ाई करके आया है। कद काठी भी मजबूत है, रंग भी साफ है, खाया पिया तगड़ा छोरा है, और लंबा तो इतना कि क्या बताऊं। लेकिन हमारी अक्षरा इतनी लंबी तो नहीं है, कहीं जोड़ी अटपटी तो नहीं लगेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़का इतना अच्छा है कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। आ गई शंकरी। जय माँ जगदम्बा सेठानी। जय माँ जगदम्बा। अब तो खुश है ना तू? तेरी बंधनी की साड़ियाँ और सोने के कंगन पक्के। लो सुन लो, और वो जो मोती लुटाने का वायदा किया था वो कर गई सेठानिया। सबर कर सबर कर, मोती भी लुटा दूंगी। पहले लड़के वालों के घर जाकर शगुन दिया, और उनसे कहना कल आकर हमारी बिटिया को देख ले और मुंह भी मीठा कर ले। ठीक। थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला। गोपी दादी, धनिया से कहकर ये सारे बर्तन पॉलिश करवा दीजिएगा। चांदी काली पड़ गई है ना, लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। ठीक है बड़ी बहू, लेकिन ये धनिया कहाँ रह गई? अब तक आई नहीं। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों मरी जा रही है गोपी तू? यही जानने के लिए ना कि लड़का कैसा होगा, उसके घर वाले कैसे होंगे। सच कहूं, मैं भी ये जानने के लिए बहुत उतावली हो रही हूँ कि हमारे होने वाले कुंवर जी कैसे होंगे। क्यों वर्षा? ओरी गुड्डी की सहेली, जरा बूझ तू पहली कि कैसा है कुंवर जी का रूप रे। बेटी नाजों में पली है, मिसरी की वो डली है, होगा दूल्हा भी तो शिव जी स्वरूप रे। सुनो बड़ी बहू, तो चट मंगनी पट ब्याह कर डालो। हाय, ऐसे छोरे रोज रोज ना मिले हैं। काका सजीला छल छबीला, मोहन सूरत दिल का रंगीला। काका सजीला कुर्ता है ढीला, मोहन सूरत दिल का है मेला। ताई कैसा ये जवाई तूने? I'm
तुम ही कहो बहू, कैसा हो कुंवर जी का रूप? मैं क्या कहूँ? चाहे हो गोरे चाहे हो काले, इतनी अरज है ओ मुरली वाले। प्रीत से उसका जीवन भर दे, बेटी को ऐसे कुंवर जी वर दे। एक यही इस माँ की अभिलाषा। सुन बिटिया की माई, तेरे मन की समाई होगी पूरी एक दिन तो जरूर रे। बेटी नाजो में पली है, मिसरी की वो डली है, होगा दूल्हा भी तो शिव जी स्वरूप रे। बोल कैसा हो कुंवर जी का रूप रे, हाँ हाँ कैसा हो कुंवर जी का रूप रे। भूमि का लड़के वालों के आने से पहले सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। जी दादा। तुम खुद देख लेना, कोई कमी ना रह जाए। एक काम करो, जितने भी काम है उनकी एक लिस्ट बना लो, फिर हम दोनों बैठकर चेक कर। सामान की लिस्ट रख ली है ना, एक भी सामान मत भूलिएगा। कल मेहमान आ रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी जाइए। जी बड़े। घूमे 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 घूमे। अरे धनिया, सारे कुशन कवर्स और चादरें बदल जानी चाहिए, घर पूरा चमकना चाहिए, समझी? आप चिंता ना करें छोटी माँ, मैं पूरा घर इतना चमका दूंगी ना, आप क्या सब खुश हो जाएंगे। वर्षा वहाँ खोई खोई चली जा रही है, किसे ढूंढ रही है? शौर्य को? लो, हमारी दुल्हन तो दूल्हे से मिलने के लिए अभी से उतावली हुई जा रही है। किसे ढूंढ रही है वर्षा दीदी? जिसे आप ढूंढ रही है ना, वो रहे। शौर्य भैया को मिलने आई है ना? आई मोरी मैया, आप तो शर्म से एकदम लाल हो गई। पर एक बात बताएं, शौर्य भैया को कोई भी इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, फिर आप बात कैसे कर पाओगी? लेकिन बात बहुत जरूरी है। हाय मोरी मैया, जरूरी तो होगी ही, हृदय कब कहां सुने हैं किसी की। पर आप चिंता मत करो, हम कोई जुगत भिड़ाते हैं, हम मिलाते हैं आपको शौर्य भैया से। पर कैसे? वर्षा तो शौर्य दादू के साथ बैठ, मैं ऊपर जा रही हूँ। जरा हम भी तो देखें, तूने जिसे अपने लिए चुना है वो तेरे मन में बसा है या नहीं। वर्षा ये सब नहीं, तू डर रही है ना? मैं क्यों डरूंगी, किस बात से डरूंगी? यही कि सच्चाई सामने ना आ जाए। एक मिनट, तुम दोनों का खेल तमाशा बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा। याद है अक्षरा, एक बार मैंने कहा था कि अगर दिल में किसी का प्यार बसा हो तो ये पत्थर भी पानी में ना छूटता है, याद है? शौर, देखा अब तेरी बारी। और जो तू मुकर गई ना, तो मैं सच में समझ जाऊंगी कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसे नहीं, देवेंद्र जी का नाम लेकर। देवेंद्र, जैसा है भी क्या कि तेरा खेल भी बकवास और तू भी बकवास। समझा तो मैं भी नहीं वर्षा, ये सब क्या है? तुम्हारी बहन को देवेंद्र जी पसंद नहीं है, उसने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ बाबूजी का मान रखने के लिए की थी।
अक्षरा, अरे कहाँ भागी जा रही है? शौर्य, शौर्य, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? पहले अक्षरा बिना कुछ कहे चली गई और अब तुम? लेकिन माँ, अक्षरा है कहाँ? ये ऊपर गई है, अपने कमरे में होगी। अरे लेकिन बताओ तो बात क्या है? अक्षरा, अक्षरा, अक्षर ऐसे लोगों के सवालों से भागने से कुछ नहीं मिलेगा। सच सच बताना, जब तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं था तो तुमने हाँ क्यों की? ऐसी कोई बात नहीं है दादू, मुझे वो पसंद है। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। इधर देखो, मेरी तरफ, अपने दादू को भी सच नहीं बताओगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या करती दादू, आप ही बताइए। बाऊजी कहते हैं कि बेटी बाप का गुरूर होती है, तो मैं उनका गुरूर कैसे तोड़ दूं? ऐसे भी वो आपकी शादी के लिए एक बार झुक चुके हैं। अपने सारे नियम कायदे तोड़ के उन्होंने आपको लव मैरिज करने की परमिशन दे दी। मैंने सोचा कम से कम मैं तो उन्हें इस बात की खुशी दे सकूं कि बेटा ना सही लेकिन बेटी की शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की, इस घर की परंपराओं के दायरे में की। अक्षरा, तुमने ये नहीं सोचा कि जो बाबूजी अपने बेटे की खुशी के लिए अपने नियम, अपने कानून सब तोड़ सकते हैं, तो क्या वो अपनी बेटी के लिए नहीं करेंगे? नहीं दादू, मैं बाबूजी को एक और धक्का नहीं दे सकती। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, होने दीजिए। और फिर आपने देखा नहीं माँ और बाबूजी कितने खुश हैं? वैसे भी मुझे लगता है कि बाबूजी मेरे लिए किसी गलत लड़के को पसंद कर ही नहीं सकते। उन्होंने जिसे भी चुना होगा वो अच्छा ही होगा ना दादू? लेकिन अक्षरा, तुम्हारी मर्जी भी तो। नहीं दादू, मैं वही करूंगी जो बाऊजी को पसंद है। और प्लीज, अब हम इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे। शौर्य की माँ, मुबारक हो, सब कुछ तय हो गया। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं हमारी अक्षरा को देखने के लिए। अब तो खुश है ना आप? आपकी लाडली का रिश्ता होने जा रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रही हैं? जाइए, जाकर तैयारियां शुरू कीजिए, शाम को मेहमान आने वाले हैं। अक्षरा, शौर्य इधर आइए। अब देखिए, आप बता दीजिए इन्हें, हाँ, और अक्षरा से कहिए कि आज कहीं जाए नहीं, शाम तक मेहमान पहुंच जाएंगे। आप संभाल लेंगे ना? जी। क्या हुआ माँ? बाऊजी ने बुलाया हमें और रुके भी नहीं, कोई खास बात है क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे बाऊजी कह रहे थे कि आज घर पर ही रहना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे। फिर तो मुझे तैयार भी होना होगा। आप मुझे बताएंगी ना कि मैं क्या पहनूं? मैं जाके कपड़े निकाल देती हूँ। प्लीज आप बता दीजिएगा कि कौन सा ठीक रहेगा। शौर्य, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी और अक्षरा की बातें सुन ली थी। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
इतना लिख लेना, कोई चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मिठाइयाँ वगैरह सब समय पे आ जानी चाहिए, और देखो अगर गेट पे फूल लगाने तो वो भी मंगा लो, और भोला से कह देना घर की साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह हो जानी चाहिए, सब सब लिख लो तुम, और अगर देखो फूलों अभी नहीं बाद में, हाँ देखो मेहमान 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, तुम खुद देख लेना सारे इंतजाम है कि नहीं। जी दादा आप चिंता मत कीजिए, मेहमानों की आवभगत में कोई कमी नहीं रही। हाँ शौर्य ओमी से सब कुछ समझ लेना, उन्हें गेट पे लेने कौन जाएगा, छोड़ने कौन जाएगा, बात कैसे करनी है सब समझ लेना, समझ रहे हो ना तुम? जी। और हाँ बाहर जाकर देख लेना सारी लाइटें ठीक तरह चल रही है कि नहीं। जी। वहां उनकी गाड़ी पार्क होगी ना, और हमारी गाड़ी वहां से हटा लेना ताकि उन्हें पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो। ओमी सब कुछ लिख लो, कुछ भूलना नहीं। अरे तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं? जी जा रहा हूँ। लिख लिया ना? हम सोच रहे थे कि आज शाम को हम अपना वो रेशम वाला कुर्ता पहन ले जो हम पिछले साल द्वारका से लेकर आए थे, क्यों आप क्या कहती है? अरे भाई बेटी के बाप है, ऐसे मौके पर कुछ खास तो पहनना ही पड़ेगा ना। जी जी लेकिन शौर्य क्या हुआ? शौर्य अक्षरा से बात हुई तुम्हारी? बाऊजी को बताया तुमने? अरे ना तो वो खुद बात कर रही है ना मुझे बात करने दे रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो उस लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है जो उसे पहली नजर में ना पसंद हो, और ऊपर से वो लड़के वाले आज शाम को आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, अब तो बस माँ ही कुछ कर सकती है। मासी जी को पता चल गया? क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि बाऊजी से बात करके देखेंगे। मासी जी हैं जो बाऊजी को अच्छे से समझते हैं, और मुझे लगता है वो बाऊजी को मना लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। जी कुछ बात करनी है आपसे। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। आप अलमारी से हमारे कपड़े निकाल दीजिए जल्दी। और हाँ हाँ भी अभी तक तैयार नहीं हुई, साड़ी नहीं बदलेगी क्या? और जाकर देखिए अक्षरा तैयार हुई है कि नहीं, जल्दी जाइए। चाहिए लेकिन आप ही ने तो कहा कि पहले आपके कपड़े निकाल दो। अरे हाँ हम ही ने तो कहा था, देखिए ना कितने उतावले हो रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। क्या करें पहली बार बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। भी सोच रही होंगी कि यह आज हमें हो क्या गया है ना? दरअसल आज पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि एक बेटी का बाप होना कितना मुश्किल होता है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं हमने, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए चुटकियों में हल कर देते हैं, लेकिन बेटी का रिश्ता नाजुक बात होती है ना। मन में एक अजीब सी घबराहट है, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? अरे हाँ आप हमसे कोई बात करने आई थी, कोई जरूरी बात थी? जी कुछ नहीं, मैं भी भूल गई। अपमान भी लीजिए, घबरा तो आप भी रही हैं, और क्यों नहीं घबराएंगे? अगर हम बेटी के बाप हैं तो आप भी तो माँ हैं। डर रही है ना कि उन्हें हमारी अक्षरा पसंद आएगी या नहीं? चलिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं, और आप भी जाकर देखिए अक्षरा तैयार हुई है कि नहीं, जाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।